ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। ਹਾਏ ਰਹਿਮ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਐਡੀ ਤੂੰ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ, ਛੋਟਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਤਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਏ ਦਿਨ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਈ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਲਕਾ ਵੀ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। तुम चाहती हो मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लूं जो मेरे खानदान को मिटाना चाहती है? जाहिर है अब्बा जी, इसका बेटा जेल में है और रोशनी यहाँ पर ऐश कर रही है, बदला लेने के लिए जूस में इसने कुछ मिला दिया होगा। बहुत अफसोस की बात है रहमत, बहुत दुख की बात है। हमने तुम्हें क्या समझा और तुमने क्या किया? सच है, नीच नीच ही होता है। अब्बा जी रहमत झूठ बोल रही है, मैंने खुद देखा इसे जूस में कुछ मिलाते हुए। अब बोलो रहमत, क्या कहोगी तुम? क्यों किया तुमने ऐसा? तुम चाहती हो मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लूं जो मेरे खानदान को मिटाना चाहती है? जाहिर है अब्बा जी, इसका बेटा जेल में है और रोशनी यहाँ पर ऐश कर रही है, बदला लेने के लिए जूस में इसने कुछ मिला दिया होगा। बहुत अफसोस की बात है रहमत, बहुत दुख की बात है। बहुत अफसोस की बात है, बहुत दुख की बात है। हमने तुम्हें क्या समझा और तुमने क्या किया? जाहिर है अब्बा जी, इसका बेटा जेल में है और रोशनी यहाँ पर ऐश कर रही है, नीच नीच। अब्बा जी रहमत झूठ बोल रही है, मैंने खुद देखा इसे जूस में कुछ मिला दिया। सच है, नीच नीच। सब क्या हो गया मामा? आपने तो कहा था ना वो बच्चा बचेगा ना रोशनी, दोनों बच गए। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, तो कच्ची गोलियां तो नहीं खेली थी ना? कच्ची गोलियां, बस रहने दे मामा। कोई बात नहीं, एक बार फिर कोशिश कर लेंगे, कोई ना कोई हल निकल आएगा। सोच है आपकी, मजीद उसे हथेली का छाला बना के रखा जाएगा। पहले तो बुआ का नाम लगा दिया, आप किसका नाम लगाएंगी? मैंने कहा ना फिक्र मत करो, हो जाएगा कुछ ना कुछ। कैसे फिक्र ना करो, जब तक वो रायान की जिंदगी में है ना वो मुझे देखेगा भी नहीं। अरे अकील, तुम यहाँ कोई काम था? अच्छा, तो इन सारी बातों के पीछे आप माँ बेटे की घटिया चाल थी। कैसी चाल, मैं समझी नहीं। रोशनी को मारने की चाल, उसे रास्ते से हटाने की साजिश। सोच भी नहीं सकता था मैं कि आप दोनों इतना गिर सकती हैं। अफसोस तो इसी बात का है ना मामू जान, इस घर में सभी को सिवाय मेरे उस रोशनी की फिक्र है, और मेरे दुख की किसी को कोई परवाह नहीं। क्या दुख है तुम्हारा, किस चीज की कमी मिली है तुम्हें? जो मुंह से निकला वो पूरा हुआ है। रायान ने जो मेरे साथ किया, एक बार भी आपने उसे कहा कि मेरी भांजी के साथ ऐसा सलूक मत करो? चार शादियों की इजाजत रखता है मर्द, समझे तुम? और तुमने कौन सा सुख दिया है मेरे बेटे को? ओ, तो यूं कहे ना, आपको भी मुमानी जान की तरह मुझे में कीड़े नजर आते हैं। शट अप,
तुम जैसी जबान दराज लड़कियां घर पस आ ही नहीं सकती। अकील, अब तुम ज्यादती कर रहे हो मेरी बेटी के साथ। ज्यादती नहीं कर रहा हूं मैं, आपकी बेटी को उसकी असलियत दिखा रहा हूं। रायान तो इससे शादी करने पर तैयार ही नहीं था, मैंने मजबूर किया था उसको, और आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने गलत किया था। तुमने कोई एहसान नहीं किया, मैंने भी बहुत कुछ किया तुम लोगों के लिए। तो अपनी बेटी को समझाइए कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, किसी की जान लेके घर नहीं बसता, समझे तुम। जहां तक बात रहमत बुआ की है, उन पर इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए आपको जरा भी शर्म नहीं आई? अफसोस हो रहा है मुझे आपको अपनी बहन कहते हुए।